छत्तीसगढ़ की ये पूरे अंचल की सांस्कृतिक धरती, औद्योगिक धरती, हस्तकला की धरती, मैं आज अग्रवा धाम के रूप में भगवान अग्रसेन जी के कृपा से, उनकी प्रेरणा से इस भवन का लोकार्पण हो रहा है। इस लोकार्पण समारोह में यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार यहां पर 20 साल तक संसद सदस्य के रूप में आपकी सेवा की और आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा के लिए आप सबने उनको चुना है, मैं विष्णुदेव साय जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये राज्य जो आर्थिक राजधानी है लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र भी है और इस राज्य को विकास के नए आयाम पर, विकास, बहुआयामी विकास, समतामूलक समाज के रूप में इस राज्य को आगे ले जाने की आपकी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपका लंबा अनुभव, सहज कार्यशैली, जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता निश्चित रूप से इस राज्य को आगे ले जाएगी और मानवीय संवेदना के रूप में यहां के लोगों का आप कल्याण कर पाएंगी। इसी राज्य के लंबे समय तक मंत्री रहे, विधायक रहे हमारे मित्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, दो दो राज्यों में उनको मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। इसी क्षेत्र के विधायक जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अपनी सेवा दी, अब जनसेवक के रूप में यहां पर सेवा देंगे, राज्य के मंत्री के रूप में भी, और हमारे बीच में पूर्व मंत्री विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी, विधायक संपत अग्रवाल जी, राजेश गर्ग जी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चंद गर्ग जी, पूर्व सांसद श्री नवीन जिंदल जी, विजय अग्रवाल जी, सज्जन पटवारी जी, और जिन्होंने इस अग्रधाम को बनाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, बहुत लंबे समय से प्रयास किए, श्री राकेश अग्रवाल जी, सुशील मित्तल जी और सभी ट्रस्टी और सभी लोगों ने जिन्होंने इस अग्रवा धाम को बनाने के लिए सहयोग किया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के इस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा अग्रवा धाम बना है।
मैंने कई धर्मशाला, कई भवनों का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया, लेकिन मैंने इतने बड़े भवन का कभी न शिलान्यास किया न लोकार्पण किया। इससे लगता है कि भगवान अग्रसेन जी महाराज, जिन्होंने अपनी राज की कल्पना की थी एक ईंट और एक रुपया, अपने प्रदेश के अंदर निर्माण भी हो और व्यापार करने के लिए उनको राज पैसा भी देता था। आज भगवान अग्रसेन जी की कृपा से उनके दिए गए विचार, उनके दिए गए कार्य से आज पूरा अग्रवाल समाज देश में उसी संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। चाहे आजादी का आंदोलन हो, आजादी के आंदोलन में भी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, आजादी की लड़ाई लड़ने में भी योगदान रहा, बलिदान देने में भी योगदान रहा, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन क्रांतिकारियों को अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ धन देने कर लेकर आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम भी किया। और आजादी के आंदोलन के बाद इस देश के निर्माण में, इस देश के आर्थिक बदलाव के अंदर, इस देश के सामाजिक बदलाव के अंदर अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश के अंदर कारखाने लगाए, उद्योग लगाए, व्यापारिक गतिविधियां की, कई सेवाओं का काम किया, जिसके कारण देश भर के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिला, दो टाइम की रोटी का इंतजाम उनका हुआ। केवल उद्योग व्यापार नहीं, भगवान अग्रसेन जी ने कहा था कि शासन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो, और जिसमें हर व्यक्ति सामाजिक रूप से उनके जीवन का बदलाव भी हो। और उसके लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद इस देश के अंदर धर्मशालाएं बनाने का काम किया। उस समय जब राहगीर आते थे तो गांव से दूर जाने के साधन, शहर में आने के बाद गांव में जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। यह चिंता अग्रवाल समाज ने की, और आज देश भर के अंदर आप देख लें, छोटे छोटे गांव के अंदर, कस्बों के अंदर भी आपको अग्रसेन धर्मशाला मिलेगी। देश भर के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, जहां सरकार ने शिक्षा के स्कूल खोलने का काम किया, लेकिन समाज ने भी सरकार के साथ सहयोग मिलकर देश भर के अंदर अग्रसेन विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, तकनीकी महाविद्यालय खोले, विश्वविद्यालय खोले, और दूर दराज के गांव के लोगों को भी शिक्षा मिले, उसके लिए शिक्षा के मंदिर खोलने का काम किया, गरीब को इलाज मिले उसके लिए जगह जगह अस्पताल खोले, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, हर सेवा का काम समर्पण से, परोपकार से, संवेदना के साथ अग्रवाल समाज के लोग आज भी करते हैं। चाहे देश में आपदा आए, चाहे देश के बाहर आपदा आए, उस आपदा और संकट के समय अग्रवाल समाज के लोग सबसे आगे बढ़कर सेवा का काम करते हैं। ये भगवान अग्रसेन जी ने संस्कृति दिए, संस्कार दिए,
उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये संस्कार संस्कृति हमेशा रहनी चाहिए। हर गरीब के दो टाइम की रोटी का इंतजाम हो, उसके लिए हमें देश में आर्थिक बदलाव के लिए समर्पित प्रयास करने की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश बदल रहा है। आज आर्थिक रूप से भारत एक शक्तिशाली देश बन रहा है। इस आर्थिक बदलाव में हमारा भी योगदान होना चाहिए। हम किस तरीके से हमारे युवा नौजवानों को नए उद्यमी के रूप में, नए स्टार्टअप करने के रूप में, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से हम आर्थिक तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, ताकि देश जिस आर्थिक तेज रफ्तार से बढ़ रहा है उनमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। ये देश के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलाव करने के लिए ये जिम्मेदारी भगवान अग्रसेन जी ने आपको हमको दी है कि हम व्यक्ति के जीवन में बदलाव करें, सामाजिक बदलाव करें, आर्थिक बदलाव करें, उनकी जिंदगियों को बेहतर करें। जहां सरकार काम कर रही है वहां समाज को भी मिलकर सामूहिकता से काम करना होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे, सपने को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए सामूहिकता की जिम्मेदारी है, हम सबकी एक मिलकर जिम्मेदारी है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने की, विकसित भारत बनाने की। और इसीलिए जिस तरीके से राकेश जी ने कहा कि हम लोगों के चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, ताकि दूर दराज के जनजातीय आदिवासी इलाके के लोगों को सस्ता सुलभ इलाज कर मिल सके। सरकार अपने प्रयास कर रही है लेकिन समाज को भी प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम जिस गांव के अंदर, जिस डानी के अंदर अस्पताल नहीं है अस्पताल खोलें, विद्यालय की कमी है तो विद्यालय शुरू करें, अन्न भंडार की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो अन्न भंडार शुरू करें। यह सब समाज में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बना पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस धरती के अंदर खनिज है, जहां सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, ये प्रदेश वह प्रदेश है। इसमें बहुत बड़ी संभावना है और इस संभावनाओं को लेकर राज्य की नई सरकार निश्चित रूप से एक लक्षित प्रयास करेगी और प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है उन वादों को भी पूरा करेगी। मैं इस मौके पर अग्रवाल समाज के सभी लोगों को, सभी दानवीरों को, जिसका जितना योगदान बन सका उन सब ने सहयोग किया और एक मिसाल कायम की देश के अंदर कि ऐसा अग्रवधाम बनाए जहां पर सभी समाज के लोगों को शादी विवाह, सामाजिक कोई भी उत्सव हो उसके लिए किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं हो, होटल के समक्ष लेकिन समाज के अनुरूप धर्मशाला बनाने, भवन बनाने का काम जो अग्रसेन महाराज की कृपा से आप सबने किया है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके इसी प्रेरणा से लेकर देश के अंदर अलग अलग तरीके से भी इसी तरीके से अग्रोधाम बनेंगे, चिकित्सालय बनेंगे, स्कूल बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय बनेंगे,
और इसी तरीके से हम संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण के लिए उसके समावेश समाज के समावेश के विकास के लिए समतामूलक समाज के लिए हमारे प्रयास इसी तरीके से होते रहेंगे, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी ने हमें यही प्रेरणा दी है, यही विचार दिए हैं और उनके विचारों उनकी प्रेरणा उनकी संस्कृति को हम इसी तरीके से आगे ले जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसी सामाजिक सेवा के कारण इसी समर्पण के कारण हमारा स्थान समाज में बड़ा है, तो समाज के स्थान को हम इसी तरीके से जो हम धन कमाते हैं वह धन समाज के कल्याण के लिए इसी संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।